दोस्तों हर साल हालांकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो पीएचडी में अपने आप को एनरोल कराते हैं मास्टर्स अपनी कंप्लीट करने के बाद, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वो चाहे तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से भी पीएचडी कर सकते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी काफी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। सवाल जो बहुत ज्यादा आप हमसे पूछ रहे थे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करें तो क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकती हैं या फिर क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं। दोस्तों पीएचडी करना चाहते हो और पीएचडी आप कंप्लीट कर लोगे, ये दो अलग अलग बातें हैं। आप इन दोनों को एक मत समझे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्यादातर मुनाफे के लिए ही, सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही आपके एडमिशंस लेती हैं और बाद में आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें। बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। एडमिशन लेना एक अलग चीज है और अपने पीएचडी को कंप्लीट कर लेना एक अलग चीज है। मैं आज बहुत कुछ बताऊंगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में और मेरा ये मानना है कि इस वीडियो के बाद में जितने भी तरह के सवाल आपके दिल में हैं कि आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी चाहिए या नहीं, मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों पर आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों पीएचडी करना बहुत सारे स्टूडेंट्स का अरमान होता है कि वो पीएचडी कंप्लीट करें और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाएं। डॉक्टर प्रीफिक्स लग जाता है नाम के आगे जब कोई पीएचडी कंप्लीट कर लेता है, बट यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करते हैं और आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करना पड़ता है। आप चाहते नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में नाम आता ही नहीं है और या फिर जो उनकी लेंथी प्रोसीडिंग है या फिर थोड़ा टफनेस जो होती है पीएचडी कंप्लीट करने में, उन चीजों से आप बचते हैं या फिर आप उतने ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं होते हैं। इन्हीं चीजों का फायदा उठाती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, कुछ बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप ये समझ दोस्तों कि फीस में तो डिफरेंस होता ही है। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करोगे, फीस ज्यादा होती है और ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा फीस भी होती है कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। बट आपका बजट स्टार्ट होना चाहिए कम से कम 2.5 लाख रुपए से। 3 साल की कंप्लीट कोर्स की मैं फीस आपको बता रहा हूँ। 2.5 लाख इसको आप एक मिनिमम फीस मान सकते हैं कंप्लीट पीएचडी की, जो पूरे कोर्स का एक ड्यूरेशन बनता है, उस कंप्लीट कोर्स की फीस 2.5 लाख मिनिमम होगी। ये बढ़ सकती है एज पर द स्ट्रीम्स। आप योगा में करना चाहें, फार्मास्यूटिकल में करना चाहें, लॉ में करना चाहें, एजुकेशन में करना चाहें या फिर टेक्निकल किसी भी सब्जेक्ट में आप करना चाहें, उसकी फीस अलग अलग हो सकती है, वेरिएशंस हो सकते हैं। दोस्तों आप कोई भी कंसल्टेंट है, कोई भी आप इंस्टीट्यूट रन करते हैं और आप चाहते हैं टाई अप करना इंडियन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से, या फिर ऑनलाइन एजुकेशन में आप काम करना चाहते हैं जैसे ऑनलाइन एमबीए होता है, या फिर आप चाहते हैं स्टडी अब्रॉड में काम करना, नई नई यूनिवर्सिटीज से टाई अप करना चाहते हैं, तो आप इस एसोसिएशन का सहारा ले सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज, AAEIU, जिसकी वेबसाइट है www.aaeiu.in। यहां आपको सभी तरह की मदद मिलेंगी और साथ ही अगर कोई भी यूनिवर्सिटी आपको परेशान करती है, कोई कॉलेज परेशान करता है, तो भी आप इस एसोसिएशन की मदद ले सकते हैं। व्हाट्सएप करें इस एसोसिएशन को, वो आप खुद आपको रिप्लाई करेंगे और आपको सब डिटेल्स आपके नंबर पर भेज दी जाएगी। दोस्तों हमारे पास हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं और पूछते हैं कि सर पीएचडी में एडमिशन लेना है, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले या ना ले, ये यूनिवर्सिटी कैसी है या फिर हम
उन्हें कोई अच्छी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी रिकमेंड करें जहां से वो पीएचडी कर सकते हैं। दोस्तों सिर्फ रिकमेंडेशन से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पीएचडी को कंप्लीट करने के लिए 3 साल की आपको मदद चाहिए, आपको हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है, और 3 साल तक के लिए जो भी कोई आपको सर्विस देगा वो अपना एक सर्विस चार्ज करेगा। तो आपका जो भी कोई कंसल्टेंट जिसके द्वारा आप एडमिशन लेते हैं बेहतर होगा, क्योंकि वो उस यूनिवर्सिटी को बेहतर तरीके से जानता है। सीधा आप चाहे खुद अपने आप कुछ कर ले तो यूनिवर्सिटी शुरू में आपसे बहुत अच्छे से बात करेगी, बहुत अच्छे से एडमिशन भी लेंगे, क्योंकि उनका एडमिशन लेने का प्रोसेस जितना आसान है पीएचडी कंप्लीट करना, उतना ही आपके लिए टफ हो जाएगा। बेहतर है कि आपके साथ में कोई हेल्पिंग हैंड हो। दोस्तों ये आपने अक्सर देखा होगा कि ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस चलते ही रहते हैं, मतलब 365 दिन वो एडमिशन लेते रहते हैं। तो क्या ऐसा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कर सकती हैं? दोस्तों देखा जाए तो सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, पर ये एडमिशन लेते हैं बहुत ज्यादा। आप कुछ इस तरह समझिए कि मान लीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी ने 1000 टोटल एडमिशन लिए पीएचडी में जब भी इन्होंने अपना एंट्रेंस कंडक्ट करवाया, हालांकि उतने गाइड इनके पास होते नहीं है। अब आपने एडमिशन ले लिया तो एडमिशन करने के बाद पहले ही साल में काफी सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं, मतलब कि वो अब पीएचडी को कंटिन्यू करना नहीं चाहते या वो कर नहीं पा रहे हैं। पहले साल में काफी सारे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। सेकेंड ईयर तक जो लोग पहुंचते हैं रिसर्च वर्क इतना टफ कर देते हैं ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले उनके लिए, और गाइड भी पूरी तरह से उनको सपोर्ट नहीं करता, मदद नहीं करता, जिसकी वजह से उनका भी कुछ दिल खट्टा सा हो जाता है और वो लोग भी इस कोर्स को आगे कंप्लीट करना नहीं चाहते, और जो फीस दे दी है वो फीस इनकी डूब जाती है। और जितने स्टूडेंट्स आगे तक पहुंच पाते हैं अच्छे से रिसर्च करके और आगे तक पहुंचते हैं तो भी उनको इजीली डिग्री अवार्ड नहीं होती, और अगर अवार्ड का नंबर आ भी गया, कॉन्वोकेशन हो भी गया, तो वहां से पहले तो इन लोगों को मिलती है सिर्फ प्रोविजनल डिग्री। और काफी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ प्रोविजनल डिग्री के ऊपर ही अपने आप को डिपेंड रखते हैं, और ये यूनिवर्सिटीज ओरिजिनल डिग्री जो होती है, मेन डिग्री जो होती है, वो इनको अवार्ड टाइम से करती नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट जिन कंसल्टेंट्स के द्वारा आपने एडमिशन लिया, काफी कंसल्टेंट्स को तो खुद यूनिवर्सिटी कुछ समझती नहीं, एडमिशन तो ले लिया जब तक जरूरत थी तब तक ठीक था, एडमिशन लेने के बाद में खुद कंसल्टेंट की ही इंसल्ट करना या फिर गलत तरीके से उनकी बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं स्टूडेंट के सामने। और स्टूडेंट को क्योंकि कंसल्टेंट सही तरीके से चला रहा होता है, उनको बना रहा होता है कि कब फीस देनी है कब नहीं और किस तरह से आप पूरी प्रोसीडिंग को करें, पर काफी सारे स्टूडेंट्स अपने कंसल्टेंट को ही ओवरटेक करके आगे बढ़ते हैं और बाद में प्रॉब्लम होती है, उनके साथ हेल्पिंग हैंड कोई नहीं होता। आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी कर रहे हैं या फिर आप कंसल्टेंट हैं, परेशानियां आपको आ रही हैं, आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, हो सकता है हम आपकी उसमें कोई मदद कर सके। बट सभी स्टूडेंट्स को एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पीएचडी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो टाइम टाइम करनी होती हैं, बहुत सारे अपडेट्स होते हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, और सही तरह से यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में आपका कंसल्टेंट ही जानता है, तो बेहतर होगा कि आप उससे सब चीजों की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम लेते रहे। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट, कुछ भी निकालना चाहते हैं, और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सके, कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है। और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमेशा यूनिवर्सिटीज आपको कहेंगे कि आप अपनी पूरी पेमेंट 1 साल के बाद, मतलब जैसे ही 1.5 साल लगभग आपका पहुंचा, ये लोग चाहते हैं कि आप इनकी पूरी फीस इनको जमा कर दें, मतलब पूरी कंप्लीट कोर्स की जो फीस है पूरी फीस दे दें, जबकि ये गलती आपको करनी नहीं चाहिए। और आप में से जो भी कोई कहीं से भी पीएचडी कर रहा है तो आपके पास अपनी पेमेंट की रसीदें होना बहुत जरूरी है, और अगर आपने पेमेंट कंप्लीट कर दी है तो अपनी उस यूनिवर्सिटी से आप अभी नोड्यूज मांगे, नोड्यूज जरूर ले लें आप, क्योंकि बाद में ये लोग फीस बढ़ा देते हैं। और अगर किसी कंसल्टेंट के द्वारा आपने एडमिशन लिया है, पूरी फीस आपने जमा कर दी है, अब कंसल्टेंट से कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये अगला रामबाण जो आप पर छोड़ेंगे वो ये होगा कि आपकी फीस बकाया है।
अगर आपके पास रसीदें होंगी तो आप इनको दिखा सकते हो कि आपकी फीस इतनी है, इतनी पेमेंट मैंने जमा की, ये उसकी रसीद है। क्योंकि हमेशा ये सोचते हैं किसी भी तरह से सारी गलतियां कंसल्टेंट के निकाल कर आपसे फीस दोबारा से ऐंठी जाए। आप इनकी इन बातों में ना फंसे, बेहतर होगा नो ड्यूज ले लें और फीस की रसीद ले लें, और जो आपका कंसल्टेंट है कंसल्टेंट को सिर्फ उसकी कंसल्टेंसी उसको दें जिसके लिए वो आपकी मदद करेगा, जिसके लिए आपको हेल्प करेगा, वो कंसल्टेंसी ही सिर्फ दें, बाकी सब चीजें ना दें। यही जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं आपकी रिसर्च में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इतने ज्यादा रोड़े अटका देते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स अपने आप को पहले से ही डीमोटिवेट करके और एडमिशन से पीछे हट जाते हैं, मतलब कोर्स को कंप्लीट करना चाहते नहीं। यूनिवर्सिटीज की स्ट्रेटेजी क्या होती है, प्लानिंग क्या होती है कि पहले साल में ही आपने एडमिशन लिया और अब आप ड्रॉप आउट कर गए तो वो फीस फ्री फंड की यूनिवर्सिटी को मिल जाती है। कुछ लोग सेकेंड ईयर में जाके अपने आप को ड्रॉप आउट करा लेते हैं, वो फीस भी यूनिवर्सिटी की अपने आप में हो जाती है। जो स्टूडेंट्स लास्ट तक पहुंच पाते हैं वही स्टूडेंट्स की लिस्ट आगे जाती है और बाकी सारी जो फीस है जो वेस्ट हो गई वो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल एक बही खाते में फ्री फंड में चली जाती है। और अगर आपका रिसर्च वर्क टाइमली नहीं हुआ तो याद रहे जैसे ही आप नेक्स्ट ईयर में पहुंचेंगे, अगले साल तक पहुंचेंगे, यही यूनिवर्सिटीज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं आप पर पेनल्टी लगाएंगी और आपसे फोर्थ ईयर की फीस भी मांगेंगे पेनल्टी के साथ। तो बेहतर है अपने कोर्स को, अपने कोर्स वर्क को, रिसर्च को टाइमली सबमिट कर लें, टाइमली पूरा कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर भी वो पेनल्टी लगा दी जाए। दोस्तों किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, सभी यूनिवर्सिटी की बात नहीं करता, कुछ अच्छी भी हो सकती हैं, बट ज्यादातर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं इन सभी यूनिवर्सिटीज में जितना आसान एडमिशन लेना होता है उतना ही ज्यादा टफ आपके लिए रिसर्च को कंप्लीट करना होगा इन यूनिवर्सिटीज में। इन यूनिवर्सिटीज का मेन फोकस होता है सिर्फ आपसे फीस लेना, मुनाफा हासिल करना और ज्यादा से ज्यादा फीस कलेक्ट करना, ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यूज कंडक्ट करवाना, ज्यादा से ज्यादा जो एंट्रेंस कंडक्ट कराए जाते हैं वो करवाना, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप को एनरोल करें और इनको फीस मिल पाए। और ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि टाइम टू टाइम बार बार गाइड इन यूनिवर्सिटीज के बदलते रहते हैं और गाइड से भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएगी। और यहीं पर जो हेल्पिंग हैंड का काम करते हैं वही लोग कंसल्टेंट्स आपके जो होते हैं, जो इन यूनिवर्सिटीज को भली भांति बहुत अच्छे से जानते हैं, वो आपकी इन चीजों में मदद कर पाते हैं। अब एक प्रॉब्लम और आती है आपके साथ में कि जब ये यूनिवर्सिटी वाले आपकी बात को सुनते नहीं है तो आप कोशिश करते हैं कि क्यों ना हम रजिस्ट्रार साहब से, वीसी साहब से, या यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं उनको जाकर कंप्लेन करें, हो सकता है मेरा काम जल्दी हो जाए, बट इन लोगों से मिलने का आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलेगा। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं, अगर ये यूनिवर्सिटीज आपके साथ इस तरह से दादागिरी करें तो आपको इनकी कंप्लेंट जरूर करनी चाहिए। कंज्यूमर फोरम में आप जाएं, इनकी कंप्लेंट करें। फी रिफंड लेना तो आपके लिए लगभग इम्पॉसिबल एक टास्क हो जाएगी, आप ले नहीं पाओगे और ये यूनिवर्सिटियां आपको रिफंड देंगी भी नहीं। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जितनी भी यूजीसी पर लिस्टेड हैं, सिर्फ आप देख लें, कोई स्पेशल कमेंट ना डाला हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप करते हैं यूजीसी पर लिस्टेड है, साथ में यूजीसी ने उस यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज किया है, आप पीएचडी कर सकते हैं, 100% वैलिड है। जहां मर्जी अपने डॉक्यूमेंट्स को आप लगाइए और जहां मर्जी अप्लाई कीजिए, वो एक बात अलग है कि रिक्रूटर कोई कमी निकाल दे, पर ऐसी यूनिवर्सिटीज की जो डिग्री आपने ली है बिल्कुल वैलिड होंगी, वैलिड मानी जाएंगी एज पर द लॉ, आप बिल्कुल एक वैलिड स्टूडेंट्स कहलाए जाएंगे उस यूनिवर्सिटी के जहां से आपने पीएचडी की है और अपने नाम के आगे प्रीफिक्स आपने लगाया है।